साइकिल की रफ्तार तेज करने के मकसद से जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल को मजबूत करने के लिए डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी जो है क्षेत्र में उतर चुके हैं और कमान अपने हाथ में संभाल लिए हैं। माना जाता है कि चुनावी अखाड़े में जो है इनका एक अलग रोल रहता है और किसी भी चुनाव को जो है मोड़ने का मादा रखते हैं और किसी भी चुनाव में जो है विजय के लिए जो है इनकी रणनीति जो है बड़ी कामयाब मानी जाती है। उदय प्रताप चतुर्वेदी जी जानेंगे कि साइकिल की रफ्तार दिन प्रतिदिन कैसे तेज कर रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? आप लोग देख ही रहे हैं साइकिल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कहीं कोई पार्टी चुनाव में है नहीं और हम लोग चुनाव बहुत ही अंतर से जीत रहे हैं। क्या रणनीति है, जनाधार कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? शुरू में साइकिल की रफ्तार धीमी थी लेकिन दिन प्रतिदिन जब से आप निकले हैं साइकिल की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हम अपनी जो भी हमारे साथीगण हैं हम अपनी पूरी टीम के साथ मजबूती के साथ क्षेत्र में हम लोग दौड़ा कर रहे हैं और जगह जगह बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी वर्गों का, सभी लोगों का, सभी छोटे बड़े जो भी हमारे भाई बुजुर्ग हैं, सभी माताओं बहनों का, बहुत ही सरकार के प्रति जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको परिवर्तित करने के लिए साइकिल की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या मानते हैं कि अब की कितनी बड़ी विजय होगी आपकी? बहुत ही ज़्यादा अंतर होगा और बहुत ही ज़्यादा वोटों से हम लोग लीड कर रहे हैं और लीड कर चुके हैं, बस केवल मत पड़ने की आवश्यकता है। मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए जो है बसपा जो है जोर शोर से लगी थी, क्या मानते हैं कि बसपा किस स्थान पे जाएगी और बसपा की रणनीति को कैसे समाजवादी पार्टी ध्वस्त करेगी? सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, जहाँ तक बसपा और सपा की बात है सभी अपने नेता अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनका कोई हमको बहुत कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सभी अपने क्षेत्र में चलें और हम लोग अपनी मेहनत से कार्यक्रम को और साइकिल की रफ्तार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रही है। माना जाता है कि आप एक रणनीतिकार हैं, चुनावी अखाड़े के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और पीछे जितने भी चुनाव देखने को मिले हैं उसमें आपकी एक अहम भूमिका रही है जय चौबे जी को जिताने में, और अभी भी आप जो है उनकी कमान संभाले हुए हैं, तो रणनीति आपकी जो रही है कोई भी परिस्थितियाँ रही हुई परिस्थितियाँ विपरीत भी देखी गई हैं लेकिन उसके बाद भी आपने जीत फतेह हासिल की है, तो अब की बार क्या ऐसी रणनीति है कि विरोधी पस्त हैं? जय चौबे हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग उनकी जो भी उनकी व्यवस्था है और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा तीसरा विधानसभा का चुनाव चल रहा है। लगातार 2012 में भी हमारी टीम ने बहुत ही संघर्ष किया जब ये जीरो पे थी और फिर 2017 में हम लोग लीड किए। अरे तीसरा चुनाव है, कहीं कोई लड़ाई किसी से है या नहीं, पूरा हम लोग साइकिल की रफ्तार को लेके आगे बढ़ चुके हैं और साइकिल लीड करिए बहुत अंतर से लीड कर रही है। तो ये थे हमारे साथ जो है डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और ये गांव-गांव दिखाना चाहेंगे, ये युवाओं का एक काफिला है और लंबा हुजूम है जो गांव-गांव जनसंपर्क में निकले हुए हैं और माना जाता है कि जो इनकी रणनीति है वो इस बार भी पिछले चुनाव की तरह जो है इस बार भी कामयाब होगी और एक बार साइकिल अगर इनके समर्थकों और इनकी बात पर ध्यान दें तो अब की बार साइकिल जो है बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है।